हाँ दोस्तों नमस्कार सारियां नूं। इंतजार की कड़ियां हुण खत्म हो गई हैं। जिहड़ी एग्जीबिशन का तुहानूं बहुत बेसब्री नाल इंतजार सी, मशीन एक्स वाले वो एग्जीबिशन हुण ले आए हैं जलंधर दे विच, जिहदी वेन्यू हैगा जी दाणा मंडी, नवीं दाणा मंडी जिहड़ी वर्कशॉप चौंक दे बिल्कुल कोल है, उत्थे विजिट कर सकते हो। और ये एग्जीबिशन 10, 11, 12 फरवरी 2023 तक जलंधर विखे चलूगी। एक कंपनी दी मशीन है जिहड़ी 300% स्ट्रैचबिलिटी करती है, 1 मीटर स्ट्रैच नूं 4 मीटर स्ट्रैच करती है। ये स्टैंडर्ड मशीन हैगी है, इहदे विच आपां नूं नॉन स्टैंडर्ड मशीन भी मिल सकती है, जिदा कि कार्टून है अपना 32 इंची है, ये 24 इंची तक चलेगी। काफ़ी साल पुरानी कंपनी हैगी है, आपां सिगनोट दे डिस्ट्रीब्यूटर 1990 तो हैगे आ। उदा ये US बेस्ड कंपनी है, इहनां दी जिहड़ी जिन्नी भी मशीनरी है सारी असैम्बल इत्थे हुंदी है, बट द पार्ट्स सारी ताइवानीज मशीनरी है, इट्स इम्पोर्टेड। सर अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली कितनी खींचती है जी? ये बिजली ज़्यादा नहीं है, जब यही तो इसका कमाल है कि जो पुरानी मशीनें थी जैसे 10 किलोवाट का लोड चाहिए, इसको मुश्किल से 3 HP का ही सफिशेंट है। और मेन बात यह है कि इनको अपने हमारे जो लेडी वर्कर है वो इजीली इसको हैंडल कर लेती हैं। दूसरी बात, इसकी प्रोडक्शन बहुत है। आज हमने जो चाइना का मुकाबला किया है तो ये सारा ऑटोमेशन का ही कमाल है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि ये सारी अपने मेड इन इंडिया है और हमें बहुत गर्व है और आगे भी हम अपने मुल्क को कुछ देते रहेंगे। ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज़ एरिक टी टूबे, आई एम फ्रॉम जिम्बाब्वे, आई एम स्टडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट कुजा कोपोफ इंस्टीट्यूट। सो टुडे आई एम इन दिस एग्जीबिशन to learn about the new advanced sophisticated machines that are being produced by the engineers in India. So I learned a lot today. I learned about many machines today. For example, I learned about a sandblasting machine, how it works. I also had the chance to sit on a massaging chair. So yeah, these are the kind of things, a lot of things that I learned today. Advanced technology. Thank you so much. हमारे स्टॉल पे आप सबका स्वागत है। तो हम ईस्टमैन कास्ट एंड फोर लिमिटेड कंपनी से हैं, तो हम आपको कुछ हमारे प्रोडक्ट्स बताएंगे जो आप एज अ कस्टमर यूज़ कर सकते हैं, आप घर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे ईस्टमैन की कार वाशर आता है, ये आप कार वाश करने के लिए, जैसे कि आप घर से बाहर जाते हैं किसी और कराते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके बहुत इसका रेट भी जेन्युइन है, ये आपको 7200 में इंक्लूडिंग GST मिल जाएगी आपको। दूसरा आता है हमारा ये एयर कंप्रेसर, ये हवा, जैसे आपको गाड़ियों में हवा भरना है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी लाइक आप कहीं दूर सफर में जाते हैं, कहीं आपकी गाड़ी फंस जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, हमारी कंपनी ने कोर्डलेस लॉन्च किया है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी चलती है। आप कहीं भी जैसे कि लाइक अपने स्क्रूइंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये बिना इलेक्ट्रिसिटी की चलेगी, आपको चार्जेबल है, आप चार्ज करके इसको चला सकते हैं कहीं भी। सर ये इधरों आप ऑन करेंगे नू, वेट एंड ड्राई हैगा वा, ये सोफे साफ करने लिए काम आऊगा, थोड़े घर गिला पोचा मैट गुरुद्वारा साहब से भी काम आएंगे, उस तो गड्डी गुड्डी साफ करते काम आऊगा, मिट्टी भी खिंचूगा तो बलोरिंग भी करूगा। सर वैसे असी मार्केट से बेचते 7500 रुपये का, पर अज असी 7000 रुपये का इतने असी लगाया है वा, 500 रुपये डिस्काउंट है कंपनी वालों। देखो सर, तुहाडे घर दे लई बहुत वधिया बैक मसाजर हैगा जी, गड्डी दे वास्ते इहनूं यूज़ कर सकते हो, बैक वास्ते यूज़ कर सकते हो सर, बहुत वधिया चीज़ है। इसी तरह ना होर भी प्रोडक्ट्स ने सर, वो देखो तुसीं, वो लैके आए हैं सर तुहाडे कैटल वास्ते जी, चाह वगैरह बनाउण वास्ते जी, इलैक्ट्रॉनिक कैटल लैके आए हैं सर। अगे आ जाओ, ये हेयर स्ट्रेटनर है, कलर क्रिंपर है सर। इस तो बाद तुहानूं ब्लूटूथ स्पीकर मिलणगे सर, ये तुहानूं गड्डी दे टायर च हवा भरन वास्ते पंप मिलेगा सर, ये तुहानूं गर्म कपड़ियां तो बुर लाउण दी मशीन मिलेगी, हीटिंग पैड है सिकाई करन वास्ते जी, ये सोलर सेंसर लाइट है, गार्डन लाइट है, ब्लेंडर कटर है, ट्रिमर है, ये गैस लाइटर है जी, ये चूहे छिपकली कॉकरोच भजाउण वास्ते है जी, ये वाटर गन है, ये मल्टीपल एक्सटेंशन बोर्ड है, मक्खी मच्छर मरन दी मशीन है। ये प्रोडक्ट्स जिहड़े तुहाडे डेली यूज वास्ते कम आउंदे ने, और इन्ने ही वधिया चीज़ है, असी स्पेशली लुधियाने तो आए हैं। आई एम रजत फ्रॉम हेक्सागन मेट्रोलॉजी नोएडा। तो ये हम जो हमारी मशीन है ऑप्टिक लाइट विजन मेजरिंग मशीन है, इसमें 3 मॉडल आते हैं हमारे, 2515, 3020 और 4030, जो कहते हैं इसमें ग्रेनाइट बेस है और ग्रेनाइट कॉलम लगा हुआ है, इससे हमारी मशीन की स्टेबिलिटी बनी रहती है।
और जिसमें मैग्नीफिकेशन रेंज है वो 0.7 से 4.5x तक है, मतलब 30x टू 180x तक। जैसे प्रोफाइल प्रोजेक्टर में आप पार्ट शिफ्ट करते थे, इसमें आपको पार्ट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वैसे इसमें सारे 2D पैरामीटर सारे चेक हो जाते हैं इसमें, और जो जेड में हाइट है वो 110mm तक चेक हो सकती है। जो वर्किंग डिस्टेंस हम होना चाहिए कैमरे और कंपोनेंट के बीच का वो 90mm होना चाहिए, तभी आप हमको इमेज क्लियर दिखेगी, वरना हमको इमेज ब्लर दिखेगी। सर दिस इज़ माय पोर्टेबल आर्म, एब्सोल्यूट आर्म, दिस इज फ्रॉम US मिस Hexagon इज अ स्वीडिश कंपनी इन विच यू कैन गेट द प्रोफाइल ऑफ द कंपोनेंट, GD&T टॉलरेंस एंड ऑल द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट। तो हम जो है हम दिल्ली से हैं और हमारी जो कंपनी दिल्ली बेसिस है और कंपनी का नाम है मेटकॉर्प इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम मेटलर्जी इक्विपमेंट्स पे डील करते हैं। और उससे जो हमें स्टार्टिंग करते हैं, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ जूम माइक्रोस्कोप। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसका जो है क्रैक्स देखने के लिए, वेल पेनिट्रेशन देखने के लिए, इस तरह के यूजेस के लिए आता है, जिसके अंदर 7 से लेकर 45 मैग्नीफिकेशन रहती है, 0.7 to 4.5 मैग्नीफिकेशन। अगर हम बात करते हैं इस नॉब की, तो ये फोकस पॉइंट के लिए यूज़ होती है माइक्रोवीकर हार्डनेस टेस्टर के साथ। माइक्रोवीकर हार्डनेस टेस्टर में क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं नीचे 10 और 40 का इसमें ऑब्जेक्ट होता है, और साथ में इंडेंटर होता है। इंडेंटर का यूज़ होता है कि हम थिन और वायर टाइप की प्लेट्स पर इंडेंट लेकर उसका मेजरमेंट कर माइक्रोन में उसकी हार्डनेस पता कर सके और उसकी HRC पता कर सके। उसी की तरह आप देख सकते हो यहाँ पर उसका जो भी है यहाँ रिजल्ट शो होता है। मैं संजीव सोनी, गुरु कृपा मेटल, मेरा ब्रांड GKM है और मैं मोहाली चंडीगढ़ से आया हूँ। और ये जो मशीनें आप देख रहे हैं ये फुली ऑटोमेटिक हैं और ये इंडिया में एक नई देन है। ये लोग चाइना से मंगवा रहे थे और हम लोगों ने इसको इंडिया में बनाया है कि अपने ऐसी मुल्कों को अच्छा दे सकें। जैसे एक मशीन इधर है, ये इंडिया की पहली मशीन है विद कनोपी है, और इससे सेविंग बहुत होती है, लॉसेज नहीं है, जो मेटल का लॉस नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, सेफ्टी पर्पस सबसे अच्छा है।